जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने मार गिराया एक आतंकी। काजी गुंड के पास आईटीबीपी की टुकड़ी पर हमला, एक व्यक्ति घायल। पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष कमर जावेद बाजवा ने किया एलओसी का दौरा, कहा कश्मीरियों को देते रहेंगे समर्थन। पत्थरबाजों से निपटने के लिए सेना में होगी महिला जवानों की भर्ती। आर्मी चीफ ने कहा कश्मीरी नौजवानों को भड़काया जा रहा है। हमें जरूरी है कि हमारे पास लेडीज जवानों की तरह भी तैनात हों। किसानों की हिंसा के खिलाफ कल फिर उपवास करेंगे शिवराज, का हिंसा नहीं शांति से हल होगा विवाद। कृषि मंत्री मध्य प्रदेश में किसान माफी का सवाल ही नहीं, का कोई स्थान ही नहीं मिलता। मैं अपने मत से तो ऋण माफी के पक्ष में न पूर्व में था न आज। भुवनेश्वर में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के काफिले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फेंके अंडे। मंदसौर में किसानों की मौत पर जताया विरोध, काले झंडे भी दिखाए। एनडीटीवी समूह के खिलाफ बेनामी संपत्ति मामले में जांच जारी। सूत्रों के हवाले से खबर, 1600 करोड़ के मामले में आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है जांच।